नमस्कार, आपका दोस्त है ना सुनील, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो किसी अपकमिंग मोबाइल पे हम बात नहीं करने वाले हैं कि जो अपकमिंग यानी आने वाला मोबाइल है उस पे बात नहीं करने वाले हैं। वो मोबाइल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को मेरे दूसरे वाले सुनील टैग वाले चैनल पे कमेंट किया था कि बोल जो यार आपने नया वाला चैनल बनाया है यार, आप इस पे जितने भी वीडियो डालते हो यानी अपलोड करते हो वीडियो, सारी सारी अपकमिंग मोबाइल होता है, तो कुछ ऐसा मोबाइल पे भी वीडियो क्रिएट करें जो कि मोबाइल ऑलरेडी लॉन्च हो गया हो और मार्केट में उसकी डिमांड हो एंड प्रोडक्ट अच्छा हो और सेल भी हो रहा हो, इजिली अवेलेबल हो जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं, या यूं कहें इसी मोबाइल पे बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक, पूरे का पूरा मोबाइल की वीडियो को आप देखिएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। क्या है मोबाइल, क्या प्राइस है, किस डेट में लॉन्च हुआ था, ये भी साथ ही साथ आपको बताऊंगा और ये कहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। पहले तो मैं लिंक ही डाल देता हूँ ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां पे अमेजोन के लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अमेजोन के लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वहां से आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, मेरा नाम है सुनील और चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो तुरंत ही कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज ये जो है कि जो वीडियो है मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई है कि जिन जो मोबाइल लॉन्च हो चुका है और लोग इंतजार करते हैं यार इस पर ऑफर भी चल रहा हो तो बस बता दिया करो थोड़ा ऑलमोस्ट। वैसे तो खैर आज के डेट में बताने की जरूरत है नहीं, हर आदमी के पास मल्टीपल मोबाइल है, मल्टीपल और मल्टीपल एक एक दो दो तीन तीन चार चार मोबाइल एक आदमी आजकल रख रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट अमेजोन ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वाली वो चीज़ है, तो जरूरत ही नहीं है। आजकल तो इनके एड भी टीवी पे आते हैं तो लोग वैसे ही अवेयर रहते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, बात करते हैं मुद्दे की। भैया आज जो मोबाइल है वो है सैमसंग गैलेक्सी F41 और 128 GB, ठीक है। बेसिकली इस फोन का जो नाम है वो है सैमसंग गैलेक्सी F41, ठीक है। 128 GB के अंदर ये मोबाइल है। ये लॉन्च कब हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर साथ ही साथ। चलिए हम बात कर लेते पहले इसकी कि इसके अंदर जो है कि जीबी वगैरह कितनी है कि मोबाइल के अंदर, मतलब जीबी में भी ठीक ठाक है अगर मैं बाय भी करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई दिवाली का टाइम चल रहा है, लोगों को ऑलमोस्ट बोनस मिलने वाला होगा लोगों को, तो लोग सोचते हैं कि यार कुछ ऐसी चीज लेने के ऑलमोस्ट याद रखें एक दो साल चल जाए तो वो मोबाइल ही होता है सबसे बेस्ट, लोग गिफ्ट भी करते हैं, ठीक है। 6 GB के अंदर यानी 6 GB की इसकी रैम है और 6000 mAh की इसकी बैटरी है। तो सैमसंग का ब्रांड तो आपको वैसे ही पता है, लोग आंख बंद करके बाय कर लेते हैं, सबसे पहले उसका बैटरी बैकअप बहुत भाड़ वाला होता है, ठीक है। 128 GB के अंदर मैंने आपको बता दिया है ओक्टा, इसके अंदर सैमसंग एक्सोनिस 9 Octa 9611 प्रोसेसर है इसके अंदर। दोबारा से रिपीट करते हैं, थोड़ा नाम थोड़ा ट्रिपी है, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है इसका नाम, सैमसंग एक्सोनिस 9 Octa 9611 इसके अंदर प्रोसेसर है, 128 GB के अंदर है, सबसे बड़ी फैसिलिटी ट्रिपल कैमरे के साथ है, ठीक है। बाकी और इसके आगे फीचर्स की बात करते हैं, ये तो लॉन्च किस डेट में हुआ है, तो ये मैंने इस पर ऑलरेडी शायद एक वीडियो बनाई भी थी, नहीं F42 पे मैंने वीडियो बनाई थी, ये F41 है। तो ये जो लॉन्च हुआ है ये 8 अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ है, यानी कि ये पुराना मोबाइल है जो कि लॉन्च हुआ है 2020 के अंदर, ये मोबाइल लॉन्च हुआ था लेकिन उस समय लोगों ने इतना बाय नहीं करा। लेकिन अब इसमें क्या है कि फीचर्स तो टाइम टू टाइम अपडेट होता ही रहता है, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि उस समय ये महंगा था लेकिन अब इसके अंदर जो है बेनिफिट्स काफी सारे हैं, यानी ऑफर्स के साथ ये मार्केट में अवेलेबल हो गया है। वेट इसका 191 ग्राम है, इसका ब्लैक है, प्लास्टिक में है पीछे मतलब, और फेस अनलॉक लॉक की फैसिलिटी इस फोन के अंदर है। कलर जो है फ्यूजन ग्रीन है, फ्यूजन ब्लैक है, फ्यूजन ब्लू है, यानी कि वो प्रॉपर ब्लैक नहीं होता, जस्ट लाइक लाइक होता है शेड मारते तो अलग ही लुक आती है भाई फाड़ वाली इसके अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसके अंदर बात करने वाले हैं कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं मोस्टली, तो वो किस टाइप का है। तो इसके अंदर एंड्रॉइड V10 यानी एक साल पुराना फोन है, तो जाहिर सी बात है कि भाई फीचर भी V10 वाला होगा, लेकिन V10 भी इसके अंदर V10 एंड्रॉइड V10 है, क्योंकि जब आप इसे बाय करोगे तो V10 है, लेकिन जब आप फोन को बाय करने के बाद इसको अपडेट मारोगे जब आप फोन को, तो ये ऑटोमेटिक V11 हो जाएगा, यानी कि जो एंड्रॉइड का लेटेस्ट वाला जो वर्जन चल रहा है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता होगा टाइम टू टाइम फोन को अपडेट मारते रहना होता है, तो इसके अंदर ये वाली है तो ये चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इनका अपना पुराना वाला, ठीक है। 128 GB है, 6 GB की इसकी रैम आ गई है, और साथ ही साथ इसकी स्क्रीन की बात करेंगे तो स्क्रीन किस टाइप की है, तो स्क्रीन है भैया इसकी 6.4 इंच की स्क्रीन है, जो कि ऑलमोस्ट 16.26 यानी 16.26
26 सेंटीमीटर की होती है, जो कि पूरी की पूरी मेरे हिसाब से परफेक्ट है। सैमसंग के मोबाइल पे तो मैं सही बात बताऊँ आँख बंद करके बिलीव करता हूँ भाई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले जो बाय करा था मोबाइल वो सैमसंग का ही करा था। उसके बाद कंटिन्यू मैंने 3 सैमसंग बाय करे थे। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम जैसा अर्निंग बढ़ती गई, काम धाम करते चले गए, तो वो चेंजिंग होती रही। इसके अंदर कलर आपको मल्टीपल कलर अवेलेबल हो जाएंगे। स्क्रीन टू बॉडी परसेंटेज 83.92% है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो कैमरे इसके अंदर फ्रंट कैमरा है 32 MP। कैमरे को लेकर कोई इशू नहीं, कैमरे इसके अंदर बहुत बढ़िया वाले हैं। 3-4 कैमरे आपको इजीली अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है। फ्रंट कैमरा जो है उसके अंदर सारी फैसिलिटी है, मैं बताऊँ ऑटो फ्लैश है, ऑटो फोकस है, फेस है, डिटेक्शन है, टच टू फोकस भी है, ठीक है, यानी टच टू फोकस वाला समझ ही गए होंगे आप उंगली से, ठीक है। तो इसके अंदर फैसिलिटी सारी है भाई, मेरे को तो अच्छा लग रहा है ये फोन। चार्जिंग का जो इसका वो है, क्या बोलते हैं जिसे, चार्जर बोलते हैं, सॉरी, चार्जर जो है इसका 15 वॉट का चार्जर है। चार्जर को लेके कोई इशू नहीं है। इसका टॉक टाइम की बात करें तो इसके अंदर, ये 4G मोबाइल है, मैं आपको ये भी रिपीट कर देता हूँ, ऑफर्स में चल रहा है मैंने इसलिए बता दिया, क्योंकि 5G 4G में कोई डिफरेंट नहीं है। मैं आपको बताऊँ कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ये नाम का है, जैसे 4 के आगे 5 लग गया है बस, और कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड है, अगर किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अपने पर्पज से लेना चाह रहे हैं तो मैं रिपीट करूंगा एक बार सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि वर्जन पुराना है और मोबाइल भी पुराना हो गया, कहीं ना कहीं 1 साल पुराना है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली ऑफर्स में आ रहा था इसलिए बताया था आपको। बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो मार्केट में इसके प्राइस जब ये स्टार्टिंग में आया था तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा महंगा था। मेरे को याद है इस मोबाइल के बारे में, जब ये मोबाइल आया तो मान के चलो 25-26 हज़ार के अप्रोक्स ये मोबाइल जा रहा था, लेकिन आज जो इसका बेस्ट प्राइस जा रहा है वो 16-17 हज़ार रुपये की रेंज के आसपास जा रहा है इस मोबाइल के प्राइस। बेसिकली जहाँ से मैं बाय करता हूँ, अमेजोन से मैं प्रोडक्ट बाय करता हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल वेबसाइट लगती है, अमेजोन वर्ल्ड की नंबर 1 शॉपिंग वेबसाइट है, और जो साथ ही साथ प्रोडक्ट उसको ओरिजिनल मिलता है, रिफंड की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और इनके बहुत सी जगहों में तो ऐसा भी दिखा, इवन मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अगर मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया अगर वो प्रोडक्ट नहीं आया, किसी भी रीजन से गलत प्रोडक्ट उनकी कंपनी ने मेरे को भेज दिया, तो यानी टाइम ऑफ वेस्ट हुआ, मेरा टाइम टोटली वेस्ट हुआ। तो कंपनी ने मेरे को कई बार ऐसा भी बोला है, आप बिलीव नहीं करोगे, आप बोलोगे वीडियो बनाने के लिए फेंक रहा है बंदा, कि कंपनी ने मेरे को स्पेशली कॉल करके बोला कि सर आप इस प्रोडक्ट को आप ही रख लो, हम आपको दोबारा प्रोडक्ट भिजवा रहे। तो यानी जो प्रोडक्ट था वो भी मेरा और जो आया वो भी मेरा, तो ऐसा हो रहा है अमेजोन के साथ, ठीक है। तो अमेजोन मेरे को काफी अच्छा लगता है, उसमें लेके मेरे को कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तो जरूरी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक तक नहीं करते यार तुम लोग, पता है हर बार मेरे को ये चीज बोल रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये वर्ड ना बोलूँ, क्योंकि मैंने जो पुराना चैनल है मैं उसमें कोशिश करी थी, मैंने काफी टाइम तक ये वर्ड बोला ही नहीं था, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन अब मुझे इस चैनल पे आने के बाद ये चीज बोलनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में इतना था, चलिए ओके, ध्यान रखें आप अपना, फैमिली का, एंजॉय करें, ओके बाय एंड टेक केयर।